तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट करते हैं हम सबसे पहले, जिस पे वीडियो को हम एडिट करना है हम उसको इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पे। ओके तो ये हमारा दोनों वीडियो आ गया जो हमें एडिट करना है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे आपको सारे इम्पोर्टेड वाले जो जो आप क्लिप इम्पोर्ट करोगे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका हो गया जहाँ पे आपका वीडियो प्ले होगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगी इस प्रोजेक्ट की, और ये नीचे रहा हमारा टाइमलाइन। तो सबसे पहले हम अपने क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये हमारा वीडियो आ गया टाइमलाइन के ऊपर। अब इसे आगे करने के लिए आपको सिंपली ऐसे आप सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आप क्लिप आगे पीछे कर सकते हैं। ओके एंड देन देख रहे हैं कि इसका रेशियो कुछ अलग सा है, हमें 9:16 चाहिए, तो यहाँ पर आपको रेशियो का वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ से रेशियो पर क्लिक करके अपने हिसाब से आप रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो सेलेक्ट हो गया। अब इस वीडियो को फिट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सिंपली माउस से इसे इस तरीके से रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही आपको सेम दूसरे क्लिप के लिए भी करना है। एंड यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप एक चीज़ कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से, एंड इसको फिट करने के लिए यहाँ आप इसको स्केल भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको दोनों तरीका मैंने बता दिया, आप इन दोनों तरीके से अपने क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं रेशियो के अंदर। ठीक है, अब सिंपली हमको ये बताना है कि इसमें कट कैसे लगेंगे। मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग का ये जो पार्ट ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको वहाँ पे जाना है जहाँ से आपको कट लगाना है, एंड देन यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ कट का ऑप्शन, ये सारे यहाँ पे कट मिल जाएगा, स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप स्प्लिट कर सकते हैं वहाँ से। तो मैंने इसे कट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको क्लिप को एडजस्ट करना है, कलर करेक्शन वगैरह करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिप को ऐसे सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ स्टेबलाइज है जिससे कि आप वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो, यानी कि अगर आपका वीडियो में स्टेबलाइजेशन की कमी है तो आप यहाँ से स्टेबलाइज कर सकते हैं उसे। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ फ्री ऑप्शंस भी हैं एंड कुछ पेड भी हैं, तो फिलहाल मैं फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ, एंड आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी फ्री ही यूज़ करो। स्टार्टिंग में पैसा देने की या पेमेंट वाला मतलब पेड एप्लीकेशन का यूज़ करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, आप फ्रीलांसिंग करने लगोगे, अच्छा इनकम करने लगोगे, देन आप प्रो वर्जन ले सकते हो। यहाँ पे आ गया मास्क, तो ये मास्क का सीन मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, ये आपको मैं कभी नेक्स्ट डिटेल वीडियो में बताऊँगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलता है जिससे आप ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके आपका ऑडियो लो है या कुछ भी है ऐसा, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगा जिससे आप स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो क्लिप का। देन मिलेगा एनिमेशन, आपको एनिमेशन अगर लगाना है वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में, तो यहाँ पे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसमें कि बहुत सारे फ्री भी हैं, बहुत सारे पेड भी हैं, तो आपको फ्री में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो आपको पेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपको आता है एडजस्टमेंट, यहाँ से आप इस क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि एक्सपोजर यहाँ पे हम बढ़ा दिए, आप देख रहे हैं क्लिप पे इसका असर हो रहा है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हो गया यहाँ पे HSL, ये आप किसी भी कलर को अगर आपको बढ़ाना है, कोई भी कलर टोन को अगर आपको इंक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करके इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे रेड को सेलेक्ट कर लूँगा, तो सेचुरेशन ऐसे बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं क्लिप पे कैसा असर पड़ रहा है इसका, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। कर्व्स में भी वही है, आप कलर टोन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। एंड ये लास्ट आता है कलर व्हील, जो कि पेड है, तो इसका यूज़ हम अभी नहीं करेंगे और आपको स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी रहेगा आपके लिए। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ऊपर में दिखता है यहाँ ऑडियो, तो ऑडियो आप इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर जो कैपकट में पहले से दिया हुआ है उसे यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट इस तरीके से। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अब अगर आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ओके एंड देन यहाँ पे आपको कलर वगैरह मिल जाएंगे, आप जो कलर चाहते हैं वो कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कलर चेंज होगा। एंड देन आता है यहाँ पे इफ़ेक्ट, अगर वीडियो पे आप कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे,
बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अब तो काफ़ी सारे पेड वाले भी आ गए, पहले सारे फ्री में हुआ करते थे, लेकिन अब ये सारे बहुत सारे इसमें पेड आते हैं, लेकिन आपको पेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक के लिए आप बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले। ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन है जो कि आप दो क्लिप के बीच यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये दो क्लिप है, यहाँ पे आप कोई ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये है ग्लेयर है ऐसा करके है, इसको हम यहाँ पे ऐसे सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, तो अब आप देखिएगा तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ आता है कैप्शन, अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैप्शन ऐड कर सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करके। यहाँ पर आपको हिंदी नहीं मिलेगा लेकिन आपको इंग्लिश मिल जाएगा, आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है फिल्टर, फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर, आप अपने हिसाब से आपको क्या टोन चाहिए वीडियो का, आप किस टाइप से उसे रखना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का मिल जाएगा आपको, तो फिल्टर्स की कोई कमी नहीं है। एंड एडजस्टमेंट, यहाँ पे आप लेयर ऐड कर सकते हैं कोई एडजस्टमेंट के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इतना दूर का कोई कलर चेंज करना है या कुछ एडजस्ट करना है, तो आप एडजस्ट लेयर यहाँ पे डाल के यहाँ से उसका कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली यही चीज़ें हैं इसमें, बाकी इसे बहुत सारे शॉर्टकट भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपने पहले यूज़ किया कैपकट तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, एंड अगर आप मोबाइल यूज़र थे तो आप क्या इस पर यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे शॉर्टकट्स। यहाँ पे आपको शॉर्टकट के ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा शॉर्टकट कैसे यूज़ होता है, कौन से बटन से क्या यूज़ होगा, उस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बेसिक यही सारी चीज़ें थी कैपकट में, बाकी एक्सपोर्ट का तो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट यहाँ से होगा, तो ये सारा नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था बस इस चीज़ के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेगी आपको, बाकी अगर आपको और सीखना है, अच्छे से सीखना है कैपकट के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैंने सोचा है कुछ दिनों से कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, एंड जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो सारा कॉमर्शियल वीडियो ही होगा, जिसमें कि मैं क्लाइंट्स की वीडियो एडिट करूँगा। तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग का, एंड अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आप कुछ दिन ट्राई कर लो, आप सीख लो थोड़ा बहुत, देन आप फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट लेके अच्छा पैसा कमा सकते हो। नॉर्मली आज के डेट में ये पर रील का 500-600 रुपये लेते हैं लोग, तो आप अगर दिन का एक भी का एडिट कर रहे हो तो महीने का 15,000 रुपये आप इजीली कमा लोगे। लेकिन ये मैंने पूरा बिल्कुल बेसिक बताया है, आप अगर अच्छे से काम करोगे तो दिन में 3-4 रील आप निकाल सकते हो, तो उस हिसाब से महीने का 45-50 हज़ार रुपये कमा लोगे। तो वो तो बाद की बात है, वो मैं आपको शेयर करूँगा सारा डिटेल, कैसे क्लाइंट लाना है, कैसे वीडियो एडिट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन ये हमारा पहला वीडियो था, तो मैंने इसमें अपना मतलब कैपकट का इंट्रोडक्शन दिया है कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और सारी डिटेल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।